दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष मैथ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अपन कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। अपन बात कर ली थी बिंदुपथ की, भाग एम ए छोटे क्वेश्चनों की बात कर ली थी। लास्ट जो वीडियो था वो अपन बात कर लिया था बिंदुपथ की। यदि आपने बिंदुपथ वाला यदि वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको जो अपने पास प्रमेय है और उस प्रमेय के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी सोल्व करवाए हैं। तो उस वीडियो को आप या तो अपने चैनल पर जाके देख सकते हैं या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपन जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे थेल्स प्रमेय की, और थेल्स प्रमेय के जो विलोम है उसकी बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। हाँ, और यदि हमारे चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हाँ, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय की। थेल्स प्रमेय क्या है अपनी? देखिए, थेल्स प्रमेय, और इसे इसका नाम आ सकता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, और अपने को यह भी मालूम है जो अपनी समरूपता वाली जो एक्सरसाइज है बिंदुपथ वाली है 10 11 12 है, उसमें से दो क्वेश्चन बड़े आएंगे। कहने का मतलब एक अथवा में आएगा, करना है एक क्वेश्चन नंबर के छह नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन जो थेल्स प्रमेय है उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखते हुए उस कथन को क्या करो, सिद्ध करो। या आपको पूछ सकता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का कथन लिखते हुए, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का कथन लिखते हुए उस कथन को क्या करो, सिद्ध करो। या फिर ये पूछ सकता है आपको थेल्स प्रमेय का कथन दे दे, और थेल्स प्रमेय का कथन भी अपने को याद होना चाहिए। थेल्स प्रमेय का देखिए कथन क्या होता है। थेल्स प्रमेय का कथन यूं है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि एक ऐसी रेखा खींची जाए जो शेष दोनों भुजाओं को यदि प्रतिच्छेद करे, तो वो दोनों जो भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो देखना इसका कथन लिखते हैं। थेल्स प्रमेय का जो कथन होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और ये आ सकता है क्वेश्चन। फिर थेल्स प्रमेय ना, यदि थेल्स प्रमेय पूछ ले सीधा, ना पूछे तो आपको ये दिया हुआ हो सकता है कि सिद्ध करो या सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं प्रतिच्छेद करे, शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। जो अपना क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची हुई रेखा यदि त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो जो अनुपात में विभाजित करेगी जो समांतर रेखा वो उन दोनों भुजाओं को यदि विभाजित करे या प्रतिच्छेद करे तो समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यहां देखना, अपन इसको डायग्राम से समझे। डायग्राम से समझने की बात यह है कि कोई त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी। यहां मान लू मैं ए, ये मान लू मैं बी, और ये क्या मान ले सी। अपने को यहां दे रखा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो यहां मैं मान लू कि बी सी के समांतर क्या है, यहां एक रेखा मान लू मैं डी ई, मान लू ये BC के समांतर DE मान लिया। अब अपने को ये कर रहा है कि यहाँ AB और AC को प्रतिच्छेद कर रही है DE प्रतिच्छेद कर रही है, तो सिद्ध ये करना है अपने को कि ये क्या करेगी, इसको समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं दिया है, तो दिया क्या है अपने को, दिया है जो वो क्या है कि DE समांतर क्या है BC, जो DE है वो समांतर BC है, BC के है, तथा डी ए बी को व ई ए सी को प्रतिच्छेद करती है या विभाजित करती है या काटती है, को काटती है।
तथा डी ए बी को व ई ए सी को काटती है। ठीक है, अब यहां अपन ये करें या फिर सीधा भी लिख सकते हैं कि डी ई है वो ए बी व ए सी को क्या करती है, काटती है। अपन यहां देखना सीधे करना है, सिद्ध करना है कि ये समान अनुपात में विभाजित करेगी, इसका मतलब ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई, सी ई सिद्ध करना है। अपन यहां से रचना करनी पड़ेगी और रचना क्या करनी पड़ेगी देखना, रचना जो करनी पड़ेगी यहां सुनना, यहां रचना कैसे करनी पड़ेगी, यहां पे अपने को क्या करना है, सी को डी से मिलाएंगे और बी को ई से मिलाएंगे। यहां पहले इसमें यह पता होना चाहिए अपने को कि सिद्ध कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन को सिद्ध कैसे करेंगे, तो अपने को सुनना, यहां त्रिभुज है ए डी ई, यहां से यहां एक बार तो आधार यदि ए डी को मान ले तो ऊंचाई हो जाएगी, एक बार ए ई को आधार मानेंगे ऊंचाई हो जाएगी, यहां से दो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल दो आधार मान के हो जाएगा, लेकिन ए डी का क्षेत्रफल तो समान रहेगा। फिर क्या कर ले, यहां से एक त्रिभुज बनाए और यहां से ये त्रिभुज बनाए, इनका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो आपने पूछा है वो आ जाएगा, लेकिन बराबर करें कैसे वो भी लिखना जरूरी है। तो यहां समझना, यहां रचना करें, रचना से क्या करें, डी को सी से व ई को बी से मिलाया, बी को सॉरी ई को बी से मिलाया तथा यहां देखना एडी पर एक एडी आधार ले लिया, तो अपने क्या माना, यहां पे मैं मान लू एक लंब एफ थी डाल दिया और यहां लंब क्या मान दिया, जी मान लिया। तो यहां देखना तथा एडी पर लंब ई एफ तथा ए ई पर लंब डी जी डाला, यहां सुनना। अब यहां अपन ये भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहां सुनना भाई, हम जानते हैं कि एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा समान होता है, समान होता है। इसका मतलब यहां आधार देखना, इससे समझना, यहां मैं मान लू डी ई क्या है, एक आधार है, अपन मान करें डी बी सी त्रिभुज की, किसकी, डी बी और ई त्रिभुज की, सॉरी डी बी और ई त्रिभुज की बात करें, वो उसका भी आधार क्या मान ले, डी ई मान ले। यहां देखना डी सी ई त्रिभुज की बात करें, डी सी और ई त्रिभुज की बात करें, उसका भी आधार क्या है, डी ई है, और यहां पे दे रखा है अपने को कि डी ई समांतर का है बी सी है, इसका मतलब एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, डी बी ई, डी बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई, डी सी ई, कहने का मतलब त्रिभुज डी बी ई, डी बी ई और डी सी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। और समान क्यों होगा, अपन ने यहां कर लिया। अब सुनना, यहां पे अपन ने क्या किया कि ए डी है, वहां लंब डाला इस ई एफ, लंब डाला क्या डाला, ई एफ डाला, और यहां ए ई का डाला क्या, डी जी डाला, डी जी डाला कि नहीं डाला। अपन यहां से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई से, और एक बटा दो आधार ये हो जाएगा ऊंचाई ये हो जाएगी, एक बटा दो आधार ये हो जाएगा ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अपन इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्योंकि इनकी भी ऊंचाई पता होनी चाहिए, तो आपको ये पता होगा, यहां सुनना, समझ लेना, यहां समझने की बात है कि यहां देखो ए डी और बी डी, यहां ए डी ई में और जो बी ई सॉरी बी सॉरी डी बी ई जो त्रिभुज है उसमें क्या उभयनिष्ठ है, डी उभयनिष्ठ है कि नहीं, यहां सुनना देखना, त्रिभुज या मान लो मैं ए डी व ए डी व बी डी में
डी क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। यदि सी उभयनिष्ठ है और क्या है जो एडी तथा एडी व बीडी एक ही रेखा एडी एबी पर स्थित है, एबी पर स्थित है, ये आपको पता नहीं होगा। यहां सुन लेना, समझ लेना अच्छे से। ये समझने की बात है, अपने को सीधा ये बताया जाता है कि यहां जब इसका आधार ये मान लेंगे तो आधार ये मानने पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? डीजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉरी, बीडी जब आधार मानेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी? ईएफ हो जाएगी। लेकिन ईएफ होगी कैसे? अपने दिमाग में ये रहता है कि भाई त्रिभुज तो ये बन रहा है, त्रिभुज तो ये बन रहा है, ठीक है, ऊंचाई ये कैसे ली अपन ने, ऊंचाई ये कैसे ली? तो इसको समझने के लिए यहां समझने जरूरत है कि जो ए डी और ई त्रिभुज है और डी बी ई त्रिभुज है, उसमें जो डी है, यहां लिख दिया मैंने ए डी और बी डी में शीर्ष डी क्या है? उभयनिष्ठ है। और डी यदि उभयनिष्ठ है और आगे चलकर जो ए डी और बी डी है वो क्या है? एक रेखा ए बी पर स्थित है, इसलिए इस जो बी डी है, बी डी की ऊंचाई बी क्या होगी? अतः यहां देखना, इसकी ऊंचाई ये है तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। अतः बी डी में, अतः त्रिभुज ये क्या है? डी बी ई की ऊंचाई भी, ऊंचाई भी, डी बी ई की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? ई एफ हो जाएगी। और अपने को पता है इसमें अपन ने जैसे काम कर लिया सेम टू सेम इसमें आ जाएगा। तो यहां समझने की बात थी, समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं, यहां सुनना। पहला अपन निकाल लें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी और ई का क्षेत्रफल। यहां ए बी ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लें तो ए डी ई का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा क्या होता है? ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहां देखना 1/2, तो आधार मैं मान लू ए डी, आधार क्या मान लू? ए डी। ऊंचाई क्या मान लें? ई एफ। क्या मान लेंगे? ई एफ। और समीकरण नंबर कितना लगा दें? एक लगा दें। यहां फिर से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालू तो त्रिभुज देखना डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर, दोबारा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है 1/2 आधार गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आधार किसको मान ले? बी डी मान ले। और आधार अपन बी डी मानेंगे तो ऊंचाई अपन ने ये कर दी कि जो डी बी ई त्रिभुज है उसकी ऊंचाई भी क्या होगी? ई एफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ई एफ हो जाएगी। समीकरण नंबर कितना? 2। तो यहां देखना समीकरण 1/2 कितना? समीकरण 2 से। और समीकरण 1/2 क्या हो जाएगा? एरिया या क्षेत्रफल लिख लो आप, त्रिभुज ए डी ई बटा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज डी बी ई, ए डी ई और डी बी ई, डी बी ई। तो यहां देखना बराबर, यहां 1/2 गुणा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ए डी गुणा ई एफ बटा 1/2 गुणा बी डी गुणा कितना? ई एफ। यहाँ ई एफ से ई एफ कटा, 1/2 से 1/2 कटा, तो यहां आ जाएगा अपना क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटा, दिख रहा है आपको? नहीं, ठीक है, ऊपर देखना, त्रिभुज यहां आया, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया यहां पे? ए डी बटा कितना? बी डी। और ये समीकरण नंबर कितना मान लू मैं? 3 मान लू। इसी प्रकार यहां इसी प्रकार निकाल लें, अब यहां देखना इसी प्रकार अपन निकाले इस त्रिभुज, फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और ए डी ई का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 गुणा, पहले आधार ये लिया था तो ऊंचाई आ गई, इस बार आधार ये ले लेंगे तो ऊंचाई क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। आपको भी पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों आधार लेके निकाल सकते हैं, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी? अलग अलग होगी। यदि आधार आप ये लोगे तो ऊंचाई होगी, यदि आधार ये लोगे तो ऊंचाई होगी, और यदि आधार ये लोगे तो ऊंचाई
ये होगी, तो इस बार अपन आधार ले ले ए ई गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी इस बार डी जी, कितना डी जी और समय का नंबर 4। यहां देखना त्रिभुज, उसमें अपन ने यह पढ़ लिया था कि इसकी ऊंचाई ये होगी, उसी प्रकार यहां ए ई डी में और ई सी डी में ई है वो एक ही क्या है शीर्ष सुवनिष्ठ है, और जो ए ई और सी ई क्या है एसी पर स्थित है, इसका मतलब जो ऊंचाई इसकी होगी वो ही ऊंचाई इसकी हो जाएगी। तो यहां लिख लेते हैं त्रिभुज क्या है ये ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या ले लूं इसका सी ई ले लूं, गुणा इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी डी जी हो जाएगी, तो समीकरण नंबर 5। तो यहां लिख देता हूं समीकरण 4 भाग समीकरण कितना दे दे 5 से, तो बराबर यहां आ जाएगा त्रिभुज डी ई ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर यहां देखना 1/2 गुणा ए ई गुणा डी जी बटे 1/2 गुणा सी ई गुणा डी जी, इससे यहां काट दूं इससे यह कट जाएगा, कहने का मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया ए ई बटा सी ई, और समीकरण नंबर 6। सुनना यहां अपन यहां इसको समीकरण नंबर 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, यहां देखना 2 और 3 से यहां 4 मान ले, यहां 5 मान ले, और यहां क्या मान ले 6 मान ले, यहां 5 और 6 से कर लूं, और यहां कितना मान लूं 7 मान। यहां सुनना आपने को समीकरण 1, दूसरी बात समीकरण एक यहां समीकरण नंबर कितना आया 4, और यहां समीकरण नंबर आया 7 से, और इनसे कैसे सुनना यहां समीकरण 1 में अपन ने ये सिद्ध किया, ये देखा कि जो डी बी ई और डी बी कहां है डी बी ई का क्षेत्रफल, और यहां डी सी ई का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल क्या है समान है, और यहां इसके ऊपर देखना ए डी ई का क्षेत्रफल और ए डी ई का क्षेत्रफल क्या, दोनों यहां सुनना एक बार, मैं ये मान लू त्रिभुज डी ई का क्षेत्रफल ये मान ले कि 10 है, एक बार सुनना, और अपन ये मान ले कि डी बी ई का क्षेत्रफल 15 है, इसका क्षेत्रफल कितना है 15 है। यहां अपने को ये लगा कि यदि इसका क्षेत्रफल 15 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, समझने की बात है, इनमें वैसे वैल्यू नहीं दे रखी, एक बार समझ लेते हैं। तो अपने क्या किया ए डी का क्षेत्रफल 10 है, इसका क्षेत्रफल यदि 15 माना तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समीकरण 4 में अपने को यह पता लगा कि ऊपर ए डी का क्षेत्रफल आएगा नीचे ही आएगा, यहां से यह पता लगा कि इसका भी ये 10/15 आएगा, इसका मतलब दोनों बराबर है कि नहीं है, है? इसलिए अपन यहां समीकरण 4 और समीकरण 7 को क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं, और बराबर कैसे कर सकते हैं क्योंकि अंश दोनों में बराबर है, अंश दोनों का बराबर है, और हर अपन ने यहां समीकरण 1 से बराबर कर दिया, इसका मतलब समीकरण 4 और समीकरण 7 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। बराबर कैसे हो गया आपको समझा दिया आराम से, इसका मतलब बराबर होते ही क्या हो जाएगा कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा क्या सी ई, और यही तो पूछा है अपने को, और ये क्या हो गया हैंड प्रूफ हो गया ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा क्या हो गया सी ई हो गया। आप नीचे लिख दोगे कि अतः किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा से दोनों भुजाओं को यदि प्रतिच्छेद करे तो वह समान अनुपात में क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, और आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देखिएगा इसको आराम से। नेक्स्ट इसका जो विलोम है जो थेल्स परमे का विलोम वो लेते हैं, तो सुनना इधर टाइम कितना हो गया देखना, थेल्स परमे का विलोम है वो देखना क्या है, थेल्स परमे का विलोम दोनों इंपोर्टेंट है, थेल्स परमे और थेल्स परमे का विलोम दोनों में से
एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और यहां यदि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो इसका क्या, सॉरी प्रमेय यदि नहीं पूछी जाएगी तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसका मतलब यहाँ आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का यदि विलोम आता है तो फिर ना तो आपको थ्योरम रटने की जरूरत है, ना आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत है, इनके स्टेटमेंट और सिद्ध करना यदि आता है। और हाँ, ये जो थ्योरम है थेल्स प्रमेय और विलोम, कोई सी भी थ्योरम हो, रटने से बिल्कुल नहीं आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी, समझने से आएगी, तो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ अपन थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उसका कथन लिखता हूं, सुनना। उसमें क्या दे रखा था थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय में ये था अपने कि यदि किसी, थेल्स प्रमेय में क्या था कि किसी त्रिभुज की तीन भुजा, सॉरी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाए और शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो सॉरी यदि शेष दोनों भुजाओं को विभाजित करे या प्रतिच्छेद करे तो किस अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यहां अपन उल्टा क्या मान लेंगे, विलोम है तो, कि अपने को यह दे रखा है कि वो समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, तो वो जो रेखा काट रही है उनको वो क्या है, तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। तो यहां सुनना क्या है, इसका कथन क्या है विलोम का, कि यहां कि इसका कथन है कि किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तथा वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध करो कि वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तथा वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध कीजिए कि वह, तो सिद्ध करो कि वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। अपने को समझना यहां चित्र में क्या दे रखा है, चित्र बनाए अपन, और ये डायग्राम है अपना, ए है, यहां बी है, यहां सी है, दिया क्या है, और यहां मैं क्या खींच दू, डी ई खींच दू, दिया है वो लिखेंगे। दिया क्या है कि ये इनको प्रतिच्छेद कर रही है, क्या, ए बी व ए सी को, ए बी व ए सी को डी ई प्रतिच्छेद करती है तथा यहां दे रखा है कि समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यहां दे रखा है ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा कितना, सी ई दे रखा है। सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो डी ई है वो समांतर किसके है, बीसी के है, समांतर किसके है, बीसी के है। सुनना कैसे करेंगे इसको, यहां रचना करनी पड़ेगी, और रचना ये करनी पड़ेगी भाई, ये तो अपने को सिद्ध करना है, सुनना यहां पे, जो डीई है, जो डीई है वो बीसी के समांतर तो अपने को सिद्ध करना है, लेकिन मैं थेल्स प्रमेय के हिसाब से इनको माने, वो थेल्स प्रमेय में क्या था, थेल्स प्रमेय के अंदाज से अपन ये मान लें कि यहां डी है, वहां से एक रेखा क्या खींच दूं मैं, एफ खींच दूं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस एफ को नीचे ही खींचे, यहां आप ऊपर भी मान सकते हो। तो रचना क्या करूं मैं कि डी से एक रेखा डी एफ खींची, जो क्या है, डी एफ समांतर क्या है, बीसी है। कहने का मतलब अपन मान सकते हैं, यहां अपने को ये कंफर्म पता नहीं है अभी कि जो डी ई है वो समांतर किसके है, बीसी के है, इसका मतलब डी ई समांतर बीसी के नहीं है, ये तो सिद्ध करना है। तो यहां अपन कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो बीसी है उसके समांतर क्या मान सकते हैं अपन, डी एफ है, समांतर
समांतर तो मान सकते हैं, हम मान तो कुछ भी सकते हैं गणित में। तो यहाँ DF समांतर किसके मान लिए, अपन BC के मान ली। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि सिद्ध क्या करना है इसमें। तो सिद्ध अपने को ये करना है कि जो भाई अपन ने माना कि जो DF है वो समांतर किसके है, BC के है। अपन यहां से ये समांतर सॉरी सिद्ध कर दें कि जो DE है वो और जो DF है, जो DE है वह है, और DF दोनों संपाती है। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाए। यदि ऊपर आ जाएगी इसका मतलब अपन ने जो माना था वो सही है। सही मतलब DF है वो क्या है, DF है वो क्या है, इनके DE के ऊपर ही है। इसका मतलब अपने DF और जो E है वो F, जो E बिंदु है और F बिंदु है वो दोनों एक ही जगह स्थित है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो DE और DF है वो एक दूसरे के ऊपर है, संपाती है। संपाती हो गया, इसका मतलब जो DE वो DF के ऊपर हो जाएगा, और DF अपन ने जो माना है समांतर वो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यहां सुनना, समीकरण नंबर एक मान लू ये दिया हुआ है उसी हिसाब से, यहां मैं लिखूं हेल्प पढ़ने से, अतः उत्पत्ति लिख लें। यहां देखना, यहां अपन ने मान लिया कि डी से एक रेखा DF खींची, डी से एक रेखा DF खींची, DF खींची, जो यहां लिख सकते हैं आप, जो AC को F पर प्रतिच्छेद करती है तथा माना DF समांतर है किसके, BC के। अपन ने यह मान लिया तथा माना करती है, माना DF है वो समांतर किसके है, BC के। अतः यहां थेल्स प्रमेय से, अतः क्या लिख दें, थेल्स प्रमेय से, यहां उत्पत्ति लिख सकते हो आप। अतः थेल्स प्रमेय से क्या लिखा, यहां फिर लिख सकते हो आप, उत्पत्ति लिख रहे हो तो DF समांतर BC है। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अपन क्या कर सकते हैं, यदि DF समांतर ये है तो अनुपात बराबर होगा, इसका मतलब यहां होगा AD बटा BD बराबर क्या हो जाएगा, AF बटा कितना, FC, और समीकरण नंबर कितना, 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सुनना यहां अपने को दे रखा है कि AD बटा BD, AE बटा CE, यहां दे दिया या अपने निकाल लिया कि AD बटा BD बराबर AF बटा FC। इसका मतलब जो समीकरण एक है और समीकरण दो है उसका ये पक्ष है, दोनों बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब ये, यदि दोनों बराबर है इसका मतलब AE बटा CE और AF बटा FC भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो यहां समीकरण एक बराबर दो से कर लें, समीकरण एक बराबर दो से अपन क्या करें, यहां सुनना, AE बटा कितना CE बराबर AF बटा कितना FC। अब यहां सुनना, अपने को यह सिद्ध करना है कि जो AE है वो और जो AF है वो क्या है, बराबर। AE और AF बराबर है, इसका मतलब यहां सिद्ध यह करना है कि AE और AF क्या है, बराबर है। AF और AE बराबर है, इसका मतलब जो CE है वो और FC है वो कटने चाहिए, और कटेंगे तब भी जब दोनों बराबर होंगे। अपने को पता है यदि दोनों तरफ एक जोड़ें तो इसका मतलब ऊपर का जो है अपना अंश है वो बदल जाएगा, वो क्या बदल जाएगा, नीचे वाला नहीं बदलेगा। इसका मतलब अपने को ऐसे नहीं करना, इनको क्या AE और AF को रखना है अपने को। ऐसे कैसे रखना है, इसको मतलब मैं इन दोनों बिंदुओं को क्या पलट दूं। तो यहां सुनना, मैं ऐसे लिख सकता हूं CE बटा AE बराबर FC बटा क्या लिख सकता हूं, AF। अब देखना, दोनों तरफ एक जोड़ने पर यहां लिख दूं मैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जोड़ा तो यहां हो जाएगा CE बटा कितना AE प्लस 1 बराबर FC बटा AF प्लस 1। इसको जब सोल्व करो तो यहां आ जाएगा CE प्लस AE बटा AE बराबर FC प्लस AF बटा AF। अब यहां सुनना, CE कहां है, ये रहा CE और AE ये रहा, इसका मतलब यहां क्या हो गया, AC हो गया और नीचे AE है। यहां सुनना, FC ये रहा और AF ये रहा, तो ये क्या हो गया, AC बटा कितना हो जाएगा, AF। AC से AC कट जाएगा, यहां अपने पास क्या आ जाएगा कि AE बराबर क्या है, F।
ए बराबर क्या आ गया, ए एफ। जब ये ए ई बराबर ए एफ, ए ई बराबर ए एफ कब आ सकता है? ये तभी संभव है जब ई बिंदु और एफ बिंदु एक जगह ही स्थित हो, मतलब ई और एफ जो बिंदु है वो क्या हो, एक ही हो, दोनों क्या हो, एक ही हो। कहने का मतलब जो डी ई और डी एफ है वो क्या हो, संपाति हो। संपाति हो इसका मतलब अपने जो माना था वो डी एफ समांतर बी सी, इसका मतलब ये समांतर इसके है, तो जो डी ई है जो समांतर ये है, इनके समांतर हो जाएगी कि नहीं होगी, होगी। अतः यहां अतः ए ई बराबर ए एफ तभी संभव है, तभी संभव है जब जब बिंदु ई व एफ एक जगह स्थित हो, अर्थात डी ई व डी एफ क्या हो, संपाती हो। और संपाति का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे के ऊपर इसका मतलब डी ई और डी एफ है वो क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर हो गई। कहने का मतलब डी ई और डी एफ अलग अलग नहीं है, एक ही है, इसका मतलब जो माना था अपन ने वो सही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अतः डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी, और ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अपन ने जो आज बात की वो थेल्स पर में, और उस थेल्स पर में वो क्या, और आधारभूत आधारभूत अनुपातिक पर में भी बोलते हैं, तो दोनों कथन दे दे आपको, सॉरी कथन दे दे सिद्धगर वाले कर लेंगे, नाम दे दे कथन पूछ ले, और कथन दे के सिद्ध करवा ले, या कथन भी पूछ ले सिद्ध भी करवा ले, तो कैसे भी कर लेंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए एक बार, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे फायदा मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिस वजह से आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।